सूरज पाटिल हरडिलिया के खिलाफ शुरू करेंगे अनशन, कुक्षेत्र के युवाओं को नौकरी नहीं देने पर बढ़ा गुस्सा। कई सारी कंपनियों में ऐसे लैंडलॉर्ड्स प्रकल्पग्रस्त है जिनकी जमीनें गई हुई है, उनके बच्चे आज भी डिग्री हाथ में लेके नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2016 से 2021 चालू है, इस बीच में कई सारी भर्तियां वो कंपनी में हुई है, जबकि कंपनी ने कुक्षेत्र ग्रामस्थों के लिए कुछ जगह नहीं रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन जयंती के दिन हम वो गेट पे उपोषण स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत हडलिया से है, पर ये हर उस कंपनी के लिए आवाज है जिन्होंने हमारी जमीन ली हुई। ठाणे बेलापुर हाईवे के किनारे स्थित ये हडलिया एसआई केमिकल कंपनी है, जिसके खिलाफ यूनियन लीडर सूरज पाटिल ने कल शिव जयंती से अनिश्चितकालीन अनशन करने की घोषणा की है। उन्होंने मीडिया से कहा कि जब तक कुक्षेत गांव के युवाओं को हरडिलिया प्रबंधन नौकरी देने का फैसला नहीं करेगा, वे कंपनी के गेट पर अनशन जारी रखेंगे। बीजेपी युवा नेता ने कहा कि हरडिलिया ने वर्ष 2016 में लिखित वादा किया था कि जब भी कर्मचारियों की भर्ती होगी, कुक्षेत के प्रकल्पग्रस्त युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसने दगाबाजी की। सूरज पाटिल ने कहा कि हरडिलिया प्रबंधन लगातार मनमानी कर रहा है, इसलिए जब तक फैसला नहीं हो जाता वे गेट पर अनशन जारी रखेंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। 1972 में शासन ने MIDC प्रकल्प के लिए हमारी नई मुंबई की जमीनें हस्तांतर की। ये जमीन के ऊपर प्रकल्प आएगा, यहाँ का शेतकरी उसको नौकरी मिलेगी, ये हिसाब से शहर बस रहा है, तो हम नई मुंबई कर भी बहुत खुशी में थे। जबकि वो इजीली उन्होंने हमारे नौकरी नहीं दी है, वहाँ पे फाइट करनी पड़ी, तब जाके कंपनियों में हमारे लैंड लूजर्स करके हमको प्राविधान दिया गया। और वो 1972 से लेके उसके बाद 1995 में हडलिया केमिकल्स में भोपाल की धरती पे कोई रासायनिक हानि ना हो, जीवित हानि ना हो, इसके लिए हाईकोर्ट से हमें पार्टी बना के वहाँ से विस्थापित सेक्टर 14 नेरुल में किया गया। कुक्षेत गांव एकमेव गांव है जो नवम्बे से नवम्बे में विस्थापित किया गया है, पुनर्वसित किया गया है। यह गांव सिर्फ अपनी खेती बाड़ी नहीं छुड़ाया, तो पूरा घरदार बाप दादा का सभी वहाँ का सभी जो निशानियाँ थी, हमारा बुजुर्गों का जो ठिकाना था, वो छोड़ के यहाँ पे आया है। ऐसे कंपनी ने हमारे बारे में कुछ तो विचार सोचना चाहिए, ये गुहार लगाते हुए हम 2008 में बामर लॉरी ने जैसे हमारे ग्रामस्थों के जो खेती बाड़ी ली थी उसके एवज ब्याप में रोजगार दिया, वैसे हमने हडलिया से भी गुहार लगाई। 2008 से वो चालू हुआ फाइट, 2016 में लिखित तौर पे हमने वो फाइट एक आधी जीत ली कि आपको अगली प्राविधान जब होगा, नौकरियां जब आएगी तो आपको लिया जाएगा। 2016 से 2018 तक उन्होंने एक नोटिस निकाली भर्ती की, वहाँ पे भी हमारे लिए उन्होंने कुछ जगह नहीं ली। एक युवक को लिया गया, पर उसको भी आज 2 साल हुए ट्रेनिंग पीरियड के ऊपर ही रखा हुआ है, और उसके बाद लिखित आश्वासन जो था कि 6 महीने के अंदर दूसरा लड़का लिया जाएगा, तो वो भी आश्वासन उन्होंने फेल किया हुआ है। ये रहा लिखित तौर पे आश्वासन, जबकि प्राविधान राज्य शासन भी कहता है कि स्थानिकों को नौकरी में प्राधान्य दिया जाए। 2016 से 2021 चालू है, इस बीच में कई सारी भर्तियाँ वो कंपनी में हुई है, जबकि कंपनी ने कुक्षेत ग्रामस्थों के लिए कुछ जगह नहीं रखी। हालांकि कुक्षेत के मंदिर आज भी वहाँ पे है, यहाँ मंदिर कंस्ट्रक्शन का उनका जो सामाजिक जिम्मेवारी है, सीआरएस फंड है, कई सारी प्राविधान उनके पास है, कुक्षेत गांव के लिए उन्होंने 1 रुपया भी खर्चा किया नहीं है। हम कई सारी मांगे लेके लोकशाही माध्यम से बार बार उनके उनसे रूबरू होते रहे, उनसे ये गुहार लगाते रहे, पर मैनेजमेंट ने हमारी काई सुनी नहीं। इस बार हमने आखिरी गुहार लगाई कि अगर आप ये हमारी जायज़ मांगे नहीं मानोगे तो हमें लोकशाही माध्यम से आपके गेट के ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा, तब भी उनकी तस से मस नहीं हुई है। जबकि आज आखिरी पड़ाव पे हमें अंतिम निर्णय लेना पड़ा है कि ये फाइट हम लोकशाही माध्यम से, कल शिव जयंती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन जयंती के दिन हम वो गेट पे उपोषण करके उपोषण स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक ये कंपनी से हमारी मांगे पूरी कराते नहीं, तब तक ये उपोषण हम पीछे लेने वाले नहीं। कई सारी कंपनियों में ऐसे लैंडलॉर्ड्स प्रकल्पग्रस्त है जिनकी जमीनें गई हुई है, उनके बच्चे आज भी डिग्री हाथ में लेके नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये आज की छिड़ी हुई हमारी लड़ाई कल का बड़ा एक आंदोलन होगा,
जबकि हडिले और एसआई नहीं तो पूरे कंपनियों के गेट पे प्रकल्पग्रस्तों के जो जमीन ली है उनके बच्चों को नौकरी देने के लिए गुहार लगाने के लिए आंदोलन है। ये शुरुआत हडिले से है पर यह हर उस कंपनी के लिए आवाज है जिन्होंने हमारी जमीन ली हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।